What's up guys, ये है मेरा रॉकी, ये है मेरा रॉकी। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अगर आपको दिखना है तो आप देख सकते हो बारिश कितनी तेज़ हो रही है बाहर। उल्टी बारिश हो रही है और मैं मेरे रॉकी के साथ यहाँ पर मज़े कर रहा हूँ। रॉकी एकदम शांत हो गया है, रॉकी जब तक शांत जब रहता है ना तो मुझे डर लगता है बच्ची। हाँ, तू क्यों इतना शांत रहता बच्ची, क्यों रहता इतना शांत? तेरी माँ भी इतनी शांत नहीं थी ना, तेरी शांत है कि नहीं? तेरी माँ चुलबुली तेरी माँ। सो गाइस, अभी जैसे कि अभी आप देख रहे हो रॉकी मेरे पास था और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, कल से बारिश हो रही है। और जैसे बारिश होती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कैट के लिए, क्योंकि बारिश ज़्यादा पसंद नहीं कैट को। कैट एकदम शांत हो जाती है, एक जगह वो बैठ जाती है, जो भी गर्म जगह देखती है, टीवी के पास या फिर आपका सेट टॉप बॉक्स रहेगा वहाँ पर या फ्रिज के आसपास या फिर किचन में, जब भी जहाँ भी वहाँ उसको गर्म महसूस होगा वहाँ जाकर के वो बैठ जाती है। तो वो इसलिए कि कैट को ज़्यादातर गर्मी बहुत पसंद होती है, और विंटर सीज़न रहा हो या फिर मानसून सीज़न रहो, उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होता है। और आप जैसे कि देखोगे अभी जो मेरी कैट यहाँ जो बैठे हैं दोनों भी, ये एकदम शांत बैठे हैं, उनकी जो आप देख रहे हो ये हेयर थोड़े से खड़े हो चुके हैं, इसका उनको ठंडी लग रही है हल्की हल्की। और ये भी मेरा टिचाला, ये भी यहाँ बैठा है। वरना बेसिकली अगर आप देखोगे, आपको अगर थोड़ी आइडिया रहेगी कैट के बारे में, तो कैट इतने शांत नहीं रहते हैं। उनका जो टाइम होता है मैक्सिमम खेलने में या फिर सोने में बीतता है ना। तो ऐसे ही शांत किटन तो शांत बैठती नहीं है, कैट भले ही खाना पीना हो जाए शांत बैठ जाएगी, बट किटन ज़्यादातर शांत नहीं बैठती है, चुलबुल चुलबुल कुछ ना कुछ करते रहती है। सो बस यही आपसे मुझे बताना था कि बाहर बारिश हो रही है और किस तरीके से अगर बारिश ज़्यादा होती है तो क्या इफ़ेक्ट होता है एनिमल के ऊपर। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल तो ये पेट एनिमल है, फोस्टर एनिमल है, पर गाइस जो एनिमल बाहर जो हो गए स्ट्रे एनिमल, उनके ऊपर क्या बीतती रहेगी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो हो सके तो गाइस ऐसे जितने भी कैट रहेंगे या फिर जितने भी एनिमल रहेंगे स्ट्रे एनिमल, तो उनको ऐसे कोई जगह आप अवेलेबल करके रखो कि वो वहाँ पर आकर के उनको सब खुद को वहाँ पे सेफ रख सके, खुद की सिक्योरिटी कर सके। बारिश बहुत होती है मुंबई में गाइस, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में देख लो आप, किसी भी स्टेट में देख लो, बारिश हर जगह हो रही है, बारिश का सीज़न है। और जहाँ तक हो सके आप हेल्प करिए, वो सारे एनजीओ है, एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन है, वो भी हेल्प करते हैं, बट आपसे जो बनता है आप भी हेल्प कीजिए। क्योंकि गाइस मैं खुद फील कर रहा हूँ, मेरे पास भी मैंने अडॉप्ट किया स्ट्रे डॉग, क्योंकि वो बाहर यहाँ भटकते रहता था, बारिश का सीज़न है। जब साइक्लोन आया था मुंबई में, तब मैंने उसको उसी दिन उसको मैंने अडॉप्ट कर लिया था, बिल्डिंग के नीचे रहता था वो काफ़ी टाइम से। बट उस दिन काफ़ी न्यूज़ में आ रहा था कि साइक्लोन बहुत तेज़ आने वाला है, तो मैंने उसको उसी दिन अडॉप्ट कर लिया और उसको मैंने मेरे बिल्डिंग के पास या फिर घर के आस पास मैंने उसको रखना स्टार्ट कर दिया। वो इसलिए गाइस क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये जाएंगे कहाँ पर, और बहुत प्रॉब्लम हो जाता है इनको जितने भी स्ट्रे एनिमल्स हैं उनके लिए। सो बस मुझे यही बताना था आप लोगों से कि जितना हो सके उतना हेल्प कीजिए, किसी भी स्ट्रे एनिमल को आप अडॉप्ट कर सकते हो अडॉप्ट कीजिए। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा।
फील भी नहीं करता ना कुछ तो, फ्रस्ट्रेट भी नहीं होता ना, इतना इरिटेट होता, उसको बोलते हैं किटन। प्यार करने के लिए भी अच्छा लगता है ना बच्चा ना, तुम इसे किटन रहे तो, वरना वो अपनी चिंगी कितनी चिल्लाती है ना, प्यार नहीं करने देती ना वो अच्छे से, सब समझता है उसको। चलो 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 Thank you.